हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। लॉज ऑफ मोशन के लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने फ्रिक्शन को कंसेप्चुअली समझा है और फ्रिक्शन पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए। बट लॉज ऑफ मोशन के 13th लेक्चर में आज फ्रिक्शन के कुछ अच्छे सवाल और सॉल्व करेंगे। ये जो सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। हर मॉड्यूल, हर बुक, हर टेस्ट पेपर, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आज तक पूछा जा चुका है। बहुत ही फेमस सवाल है। देखिए सवाल क्या कहता है। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम। एक साफ चेन है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब यह है कि मास पर यूनिट लेंथ इसका कॉन्स्टेंट है। टोटल मास है इसका एम और टोटल लेंथ है साहब एल। इट लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। टेबल हॉरिजॉन्टल ही होता है। एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया। वेयर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू बिटवीन चेन एंड टेबल। यही दो ऑब्जेक्ट है। देन फाइंड मैक्सिमम लेंथ कैन बी हैंग ओवर द टेबल। मैक्सिमम लेंथ मैं कितना इस टेबल के नीचे हैंग कर सकता हूं? मेरी मर्जी, सारे गिरा दो, थोड़ा गिरा दो, ज्यादा गिरा दो, कितना भी गिरा सकता हूं यार। ये क्या सवाल है? कैन बी हैंग ओवर द टेबल इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, ताकि वो स्लिप ऑफ ना हो जाए, इक्विलिब्रियम में रहे, इसलिए मैं कितना लेंथ इसको नीचे हैंग कर सकता हूं? ये सवाल है साहब। मान लो यहां से कुछ लेंथ आगे ले जाके और मैंने टेबल के नीचे गिरा दिया, और टेबल के नीचे जो लेंथ गया उसको मान लेता हूं स्मॉल एल। बेटा ये सवाल दूसरे लैंग्वेज में भी पूछा जाता है। जैसे 1/3 लेंथ तक इक्विलिब्रियम में है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? 2/3 लेंथ तक मैं हैंग कर सकता हूं एट इक्विलिब्रियम तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है। जनरलाइज सवाल हो गया। तो कितना लेंथ मैं नीचे हैंग कर सकता हूं? प्रॉब्लम क्या है नीचे हैंग करने में? प्रॉब्लम यह है कि जैसे 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 मान लो पूरा चेन टेबल पे था तो भी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी लग रहा था और टेबल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर लगा के इसको बैलेंस कर रहा था। ठीक है, जब ये कुछ हिस्सा नीचे गिरेगा यहां पे, तो इस पार्ट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो नीचे लगेगा। हाँ, अब नीचे कॉन्टैक्ट में, टेबल के कॉन्टैक्ट में तो है नहीं, टेबल तो बेटा यही तक था, तो इसमें नॉर्मल लग के बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें स्लिपिंग की टेंडेंसी आएगी। तो सर, स्लिपिंग की टेंडेंसी आएगी तो स्लिप कर जाना चाहिए। हाँ, कर जाता अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो, लेकिन रफ है तो इससे क्या होगा सर? तो देखो, कैपिटल कंप्लीट लेंथ तो नीचे गया नहीं है, तो इसको M1G मान लेता हूं। तो यहां पे मास कुछ हो जाएगा M2G। इस M2G की वजह से ऊपर लगेगा नॉर्मल। हाँ सर, और नॉर्मल लग रहा है और यहां पर रफ सरफेस है तो पीछे लगेगा फ्रिक्शन। अगर थोड़ा सा लेंथ रखोगे तो इसमें स्लिपिंग की टेंडेंसी, रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी थोड़ा सा ही आएगा। थोड़ा सा चेन आएगा, थोड़ा सा मास आएगा, थोड़ा सा फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। थोड़ा और ज्यादा लेंथ बढ़ा दोगे तो यहां पे लेंथ बढ़ेगा तो मास बढ़ा, यहां पे लेंथ कम हो जाएगा तो मास कम, तो नॉर्मल कम, तो ऐसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इसकी कम हो जाएगी। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पे ये जो मोशन की टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है उसका वैल्यू इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर आ जाएगा। वही लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लो एल लेंथ में ये कंडीशन आ गया, स्मॉल एल लेंथ, अगर इससे थोड़ा भी ज्यादा, बिल्कुल इनफाइनिटली स्मॉल लेंथ भी ज्यादा मैं नीचे हैंग कर दूंगा, नीचे गिर जाएगा, यहां तक रेस्ट में रहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बैलेंस कर लेगा, इससे ज्यादा फ्रिक्शन की औकात नहीं रोक के रखने की, इससे थोड़ा भी ज्यादा करूंगा नीचे स्लिप कर जाएगा। इनफाइनिटली स्मॉल भी लेंथ हम बढ़ा दिया ना तो नीचे स्लिप कर जाएगा, यहां तक बैलेंस है। तो देखो, कंप्लीट एल लेंथ का मास था एम, तो एक यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा एम बाई एल, तो स्मॉल एल लेंथ का मास हो जाएगा एम बाई एल इंटू स्मॉल एल, और कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल का लेंथ का मास हो जाएगा एम बाई एल टू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। ऐसा क्यों किया सर, इतना सारा क्यों लिख लिया? क्योंकि यहां पे लेंथ है स्मॉल एल और यहां पे लेंथ हो जाएगा कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। तो बताओ एम वन की वैल्यू ये रहा ना स्मॉल एल लेंथ का मास, एम बाई एल इंटू स्मॉल एल इंटू जी, ये आएगा वो फोर्स जिसमें रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी पैदा कर रहा है, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू M2G, और M2 कितना? कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, पूरा एल था, स्मॉल एल इधर चला गया तो कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, तो ये होगा एम बाई एल इंटू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल इंटू जी। क्या कैंसिल होगा साहब? एम बाई एल से सिंपल एम बाई एल, जी से जी कैंसिल होगा, तो इधर आएगा स्मॉल एल इज इक्वल टू म्यू कैपिटल एल माइनस म्यू इंटू स्मॉल एल। क्लियर है? अपने को स्मॉल एल चाहिए तो स्मॉल एल के टर्म्स को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा बेटा म्यू प्लस वन इंटू स्मॉल एल इज इक्वल टू म्यू इंटू कैपिटल एल, तो स्मॉल एल इज इक्वल टू आएगा म्यू कैपिटल एल डिवाइडेड बाई म्यू प्लस वन,
एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. तो इसको रटना नहीं है, इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना है. और एक बार आप इसके कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर किसी भी टर्म्स में सवाल पूछता है आप आंसर निकाल लेंगे. क्या आपको बहुत अच्छे से समझ आया ये कहानी? मैंने आपको फिजिकली पहले समझाया है और फिर मैथमेटिकली समझाया है. क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए. नेक्स्ट देखिए बेटा. फाइंड मैक्सिमम हाइट वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग. मैक्सिमम हाइट एक हेमिस्फीयर है. कंसेप्ट तो समझिए क्या है ये हेमिस्फीयर, जिसका रेडियस है कैपिटल आर. तो कितने मैक्सिमम हाइट तक ऑब्जेक्ट को मैं इक्विलिब्रियम में रख सकता हूँ? क्यों ज़्यादा हाइट पे ले जाऊँगा तो कुछ प्रॉब्लम है कि? हाँ, कल मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ रिपोज का कंसेप्ट. वहाँ पे इंक्लाइन प्लेन लिया था. इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कॉन्स्टेंट होता है साहब. अगर इस थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल है तो यहाँ पे इसी इंक्लिनेशन पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड का कंडीशन आता है. इससे कम एंगल रखूंगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, इससे ज़्यादा एंगल रखूंगा तो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा. इस थीटा पे अबाउट टू स्लाइड का कंडीशन आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे तो फिक्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है तो आपको थीटा कम करने के लिए इंक्लाइन प्लेन को नीचे ऊपर ले जाना था. लेकिन ये सरफेस हेमिस्फेरिकल है. आप यहाँ पे इसका स्लोप देखें तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जीरो होगा. जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. तो आपको ग्राफ में मैंने पढ़ाया था किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालने का दो तरीका होता है. वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए तो एग्जैक्टली यहां पे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनेगा वो इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल डिफाइन होगा. और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज होता है टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू. यही तो आपको पढ़ाया गया था. ये पढ़ाया गया था क्या? बिल्कुल यही तो आपको पढ़ाया गया था कि टैन थीटा म्यू के इक्वल हो जाएगा. देखो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है. जैसे जैसे ऊपर लेता जाऊंगा थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है. उस पर्टिकुलर थीटा पे जहां टैन थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर हो जाएगा, वो स्लिप ऑफ कर जाएगा. उससे पहले पहले तक यहां रखूंगा इक्विलिब्रियम में रहेगा, यहां रखूंगा इक्विलिब्रियम में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा. यहां पे अबाउट टू मूव की टेंडेंसी आ गई, थोड़ा भी ऊपर रखूंगा तो स्लाइड कर जाएगा. तो अब ये थीटा कैसे निकाले? थीटा तो म्यू के इक्वल होगा, लेकिन थीटा निकाले कैसे? तो देखो ध्यान से, सेंटर से सरकमफेरेंस के मिलाने वाले लाइन को ही अपन कहते हैं रेडियस. ये है रेडियस. ओके, ये ठीक है, तो रेडियस होगा. एक लाइन यहां से ऐसे खींच लेता हूं मैं. अगर ये थीटा है, अच्छे से देखो, तो ये क्या होगा? थीटा होगा. अरे नहीं जानता क्या? थीटा होगा. अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? क्योंकि रेडियस वेक्टर रेडियस वेक्टर टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाता है. ये थीटा तो ये 91 थीटा और ये 90, तो ये हो जाएगा थीटा. बिल्कुल सही बात है सर, ये थीटा होगा. अगर यहां पे ये थीटा है तो मैं यहां से कॉस थीटा लिख सकता हूं. टैन नहीं लिख सकते क्या? नहीं, टैन नहीं लिख पाऊंगा, कॉस लिख सकता हूं क्योंकि टैन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये परपेंडिकुलर, ये मैं नहीं पता, बेस तो निकाल लूंगा मैं. ये कैपिटल एच हाइट है, यहां तक मान लो, सॉरी ये स्मॉल एच हाइट है, ये यहां तक, ये मान लो यहां तक. तो ये पूरा कैपिटल आर था, तो ये कैपिटल आर माइनस एच हो जाएगा. कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो बेस इसका हो जाएगा, देखो ये हाइट हो जाएगा कैपिटल आर माइनस एच. अरे भाई एच ये रहा, पूरा आर है तो ये आर माइनस एच, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस आर. तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं आर माइनस एच बटा आर. कॉस थीटा निकाल लिया. और अगर मैंने कॉस थीटा निकाल लिया तो टैन थीटा तो मैं निकाल ही सकता हूँ. कैसे कैसे निकाल लोगे सर टैन थीटा? कॉस थीटा अगर पता है मुझे तो बेटा ये हो गया तुम्हारा बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ से निकल ही सकता है. हाँ बिल्कुल निकल जाएगा. या फिर ऐसा करता हूँ, ये टैन थीटा मुझे पता है, यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेता हूँ, आसान होगा. टैन थीटा म्यू डिवाइडेड बाई वन तो मान ही सकता हूँ. तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस यहाँ से हो जाएगा पी इज इक्वल टू म्यू, बी इज इक्वल टू वन. तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस वन. बिल्कुल होगा. तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेस, बेस वन बटा हाइपोटेन्यूस म्यू स्क्वायर प्लस वन का रूट. ये आ गया टैन कॉस थीटा की वैल्यू. और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे है कैपिटल आर माइनस एच बटा कैपिटल आर. यहाँ पे कैपिटल आर और म्यू पता है तो स्मॉल एच निकाल सकते हैं अपन. क्लियर है क्या ये बात? समझ आया? ठीक है. दूसरा केस, पहले केस में हेमिस्फीयर लिया था, दूसरे केस में पैराबोलिक सरफेस ले लिया. फाइंड मैक्सिमम हाइट वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इक्विलिब्रियम. मैक्सिमम हाइट कितने तक ऑब्जेक्ट को मैं इक्विलिब्रियम पे प्लेस कर सकता हूँ? देखो तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम है तो स्लोप कम होगा, थीटा कम है, यहाँ पे बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, रेस्ट में रहा, रेस्ट में रहा, रेस्ट में रहा. मान लो यहाँ पे अबाउट मोशन की अबाउट टू स्लाइड का कंडीशन आ गया, अबाउट टू मूव का कंडीशन आ गया, तो
तो यहां पे जो लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, ये पैराबोलिक सरफेस है, पैराबोलिक सरफेस है, ये ज्यादा आसान होगा देखना, चिंता मत करो, ये ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? तो जिस इंस्टेंट पे यहां पे जो सरफेस है ये इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का इंक्लाइन प्लेन बना रहा है, और ये एंगल ऑफ रिपोज है क्योंकि यहां पे स्लाइडिंग की टेंडेंसी आ गई। तो स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू, हम एंगल ऑफ रिपोज के कंसेप्ट जानते हैं। और स्लोप निकाल कैसे सकते हैं? डिफरेंशिएशन, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पता है, तो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं टैन थीटा ही स्लोप है, और स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू बोलो एक्स स्क्वायर, तो नथिंग बट टू एक्स, या जाएगा टू एक्स। टू एक्स इज इक्वल टू म्यू, देखो ना, टैन थीटा बराबर रख दो, टू एक्स इज इक्वल टू म्यू, दैट्स इट। सर इससे हाइट कैसे आएगा? अरे रामलाल, तुम्हारा एक्स आ गया म्यू बाई टू, एक्स आ गया म्यू बाई टू, तो यहां पे एक्स की वैल्यू रख के वाई निकाल लो। एक लाइन सॉल्व नहीं कर सकते क्या? देखो देखो देखो, समझो समझो, एंगल ऑफ रिपोज क्या था, टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो यहां पे एग्जैक्टली अबाउट टू मूव का कंडीशन आ रहा है, मतलब यहां पे पक्की बात है टैन थीटा जो थीटा बनेगा उसका टैन थीटा म्यू के बराबर होगा। और टैन थीटा क्या होता है? स्लोप। यहां पे टेंजेंट जो एंगल बना रहे वही तो स्लोप है। स्लोप होता क्या है? टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? स्लोप। और स्लोप का दूसरा डेफिनेशन है डीवाई बाई डीएक्स। तो मैं टैन थीटा को लिख सकता हूं डीवाई बाई डीएक्स स्लोप के कंसेप्ट से, और फ्रिक्शन के कंसेप्ट से टैन थीटा को लिख सकता हूं म्यू। तो डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू 2x एंड 2x इज इक्वल टू म्यू, दैट्स इट। तो x इज इक्वल टू म्यू बाई टू, x इज इक्वल टू म्यू बाई टू, तो x को म्यू बाई टू रख दो, y आ जाएगा, आंसर आ गया। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके दोनों सवाल लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एक कन्वेयर बेल्ट है, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से चल रहा है, पट्टा जैसे बोलते हैं वो, और एक ब्लॉक लिया मैंने m मास का, ब्लॉक इज प्लेस्ड एट रेस्ट, उसको जेंटली रेस्ट पे मैंने रख दिया, बेल्ट पे रख दिया, तो बेल्ट तो खुद नीचे वाला सर्फेस v0 वेलोसिटी से आगे चल रहा है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग आएगा क्योंकि मैंने तो रेस्ट में रखा है बट बेल्ट आगे जा रहा है, तो बेल्ट और ब्लॉक के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग आ गया। तो पूछा है फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक्स कम्स टू एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। मैंने रेस्ट में रखा था लेकिन खुद के रिस्पेक्ट में, बेल्ट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बेल्ट खुद वी नॉट से आगे चल रहा है, तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में ये वी नॉट से पीछे जा रहा होगा कहीं। ये इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड टाइम आफ्टर विच रिलेटिव स्लिपिंग बिकम्स अ स्टॉप, कितने देर बाद इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग खत्म हो जाएगा। तो देखो बेटा आराम से लॉजिकली समझो, तो दो ही लाइन का कैलकुलेशन इसका, सवाल पढ़ने में लगता है पता नहीं क्या है लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान है। क्यों आसान है? देखो जैसे तुम ब्लॉक को रखे यहां पे, रिलेटिव स्लिपिंग है, ये बेल्ट आगे जाना चाहता है वी नॉट से, तो बेल्ट पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा एफ आर, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्यों? रिलेटिव स्लिपिंग है। बट ये फिक्स्ड सपोर्ट से कॉन्स्टेंट टू मूव विथ वेलोसिटी वी नॉट, तो ये वी नॉट वेलोसिटी से फिर भी चलता रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये तो मशीन चला रहा है ना, इसको थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा लेकिन फ्रिक्शन हमेशा पेयर पे लगता है, तो बेल्ट पे फ्रिक्शन पीछे और बेल्ट के रिस्पेक्ट में बेल्ट आगे जा रहा है, तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को देखोगे तो ये तुम्हें पीछे जाता हुआ दिखाई देगा वी नॉट से, इसलिए बेल्ट ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? काइनेटिक आगे, और वैसे भी ब्लॉक पे आगे बेल्ट पे पीछे। अब इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बेटा म्यू इंटू एन, इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में लग रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल ऊपर होगा और नीचे एम जी होगा, तो एन को आप लिख सकते हैं सिंपल एम जी इंटू म्यू। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। इस ब्लॉक का आगे की तरफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो होगा फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स की वैल्यू बोलो म्यू एम जी, एम से एम कटेगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा बेटा म्यू जी, ठीक है। और बेल्ट के रिस्पेक्ट में ब्लॉक एक्सीलरेशन आ गए, और इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का पीछे था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, पीछे की तरफ। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट क्या हो जाएगा? जीरो, जब रिलेटिव स्लिपिंग खत्म हो जाएगा। पहले तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है। अच्छा मान लो म्यू नहीं होता तो क्या होता? फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगता, ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में रहता, ऐसा रहता। ब्लॉक जैसे यहाँ पे रख दिया, ये रेस्ट में रहेगा, ये रेस्ट में रहेगा, बेल्ट आगे जाती जाएगी, देखो तुम्हारे सामने रेस्ट में है ना। लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा, जैसे आप कोई मूविंग बेल्ट पे या सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो तुम्हें दिखाई देता है पहले वो थोड़ा सा स्लिप करता है, फिर उसके साथ चिपक के आगे चला जाता है। तो चिपकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्रिक्शन। ओके सर कितने टाइम के बाद ऐसा होगा? तो वी बराबर यू प्लस ए टी, सिंपल है। एक्सीलरेशन की वैल्यू बोलो म्यू जी, फाइनल वेलोसिटी बोलो जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, तो यह आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू वी नॉट बटा म्यू जी,
तो न्यूमेरिकली तो बहुत ईजी था ये, बट कंसेप्चुअली थोड़ा समझने में टाइम लगता है। चलो उसी तरह का दूसरा सवाल एक और लिया मैंने, एक कन्वेयर बेल्ट पे जो कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से चल रहा था और उसको वी नॉट से चलाने के लिए बाउंडेड है ये मशीन, तो ये कितनी देर बाद रिलेटिव स्लिपिंग बंद कर देगा, t इज इक्वल टू वी नॉट बाई म्यू जी। बट मान लो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, नीचे सरफेस देखो क्या बनाया मैंने, स्मूथ, और टू एम मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस पर एक एम मास के ब्लॉक को वी नॉट वेलोसिटी से इसके सरफेस पे मैंने थ्रो कर दिया, जहां पे इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो आपसे पूछा है फाइंड रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जैसे मैं इसको थ्रो करूंगा तो ए पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और बी पे भी लगेगा, लेकिन ग्राउंड नहीं लगाएगा, एक कॉन्टैक्ट एक दूसरे कॉन्टैक्ट की वजह से फोर्स लगेगा। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है वो ध्यान से देखिएगा, यहां पर कॉन्टैक्ट बन रहे हैं, तो यहां पर कॉन्टैक्ट कौन से नॉर्मल की वजह से बनेगा, ए और बी के बीच में जो नॉर्मल लगेगा, और ए और बी के बीच में नॉर्मल किसके मास की वजह से लगेगा, तो ध्यान से सुनो, इसका मास जो 2m है ना, उससे तो ये सरफेस को नीचे कंप्रेस कर रहा है, इसका मास m है, ये इस अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जाना चाहता है, तो नीचे जाना चाहेगा mg की वजह से, लेकिन ये सरफेस इस पर ऊपर नॉर्मल लगा देगा। तो सबसे पहले FBD बनाइए आप ऑफ ए, ए का FBD बनाएंगे तो ए पे नॉर्मल ऊपर और ए पे एम जी नीचे, आगे रिलेटिव मोशन तो पीछे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा फोर्स को अपोज नहीं करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो वी नॉट वेलोसिटी आगे है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे काइनेटिक लग रहा है, मतलब म्यू इंटू एन लग रहा है, और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल आएगा ए पे ऊपर और बी पे नीचे, वो नॉर्मल की वैल्यू एम जी है, इसके कॉन्टैक्ट पे, इसके कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल देखोगे तो 2m और m दोनों मिलके अर्थ सरफेस को ग्राउंड को नीचे कंप्रेस कर रहा होगा, तो m की वैल्यू रखोगे म्यू एम जी। इसका मास बोलो क्या है, इस पर इतना फोर्स लग रहा है, किधर लगेगा, पीछे, और इतना ही 2m पे आगे, क्यों सर आगे क्यों, तो फ्रिक्शन हमेशा पेयर में लगता है, m का रिलेटिव मोशन, m का रिलेटिव मोशन इसके रिस्पेक्ट में वी नॉट से आगे था, इस पर फ्रिक्शन पीछे लगा, और ए के रिस्पेक्ट में देखोगे तो खुद को रेस्ट में मानोगे, है ना, जा रहे आगे रहते लेकिन खुद को रेस्ट में मानोगे, तो 2m का ब्लॉक पीछे जाता हुआ दिखाई देगा वी नॉट से, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे। अब बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एम जी, दोनों में फ्रिक्शन सेम लगेगा। ए के लिए आप लिखोगे फॉर ए फोर्स म्यू एम जी बराबर मास ऑफ ए एम है इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए, तो m से m कटेगा, एक्सीलरेशन ऑफ a क्या आ जाएगा म्यू जी, एक्सीलरेशन ऑफ a क्या आ जाएगा म्यू जी, और म्यू की वैल्यू मान लो मैं 0.5 रख देता हूँ, तो यहाँ से ध्यान से देखना एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक a इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 0.5 मतलब 1/2 g by 2, ये आ जाएगा g by 2 माइनस आई कैप, माइनस आई कैप क्यों, क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा है, 2m पे भी फोर्स उतना ही है। फॉर ब्लॉक b फ्रिक्शन फोर्स कितना है बोलो, म्यू एम जी, और बी ब्लॉक का मास कितना है 2m, 2m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बी, m से m कटेगा 2 इधर आ जाएगा, तो एक्सीलरेशन ऑफ बी आ जाएगा आपका g बाई 4, म्यू की वैल्यू 1/2 और एक 2 यहां आएगा आई कैप, आई कैप क्यों, क्योंकि इस पे फोर्स आगे लग रहा था, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन देखोगे, रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b वो होगा एक पीछे और एक आगे, तो रिलेटिवली ऐड हो जाएगा, तो 3g/4 ये आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और इनिशियली बी को तुम रेस्ट पे मान रहे थे, रेस्ट में ही रखा हुआ था, तो बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी देखोगे तो वी नॉट है, तो वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, माइनस वी नॉट। और फाइनली इस पे फोर्स आगे लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, ए पे फोर्स पीछे लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा, और ये जीरो से बढ़ेगा और ये कुछ वी नॉट से कम होगा, तो हो सकता है किसी एक कॉमन वेलोसिटी पे आके दोनों की सेम वेलोसिटी आगे हो जाए, और जैसे ही दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो रिलेटिव स्लिपिंग खत्म हो जाएगा, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो कितने देर बाद उनका रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, ये पूछा है, फाइंड रिलेटिव एक्सीलरेशन निकाल लिया, फाइंड टाइम आफ्टर विच स्टॉप रिलेटिव स्लिपिंग, कितने देर बाद रिलेटिव स्लिपिंग बंद कर देगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, बोलो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी नॉट बटा एक्सीलरेशन 3g/4, ये आ जाएगा 4v0/3g। अच्छा
इतने टाइम के बाद जब वो रिलेटिव स्लिपिंग खत्म कर देगा तो कितने कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से दोनों चल रहा होगा, फाइंड कॉमन वेलोसिटी। तो ध्यान से सुनना, जब मैंने वी नॉट से इस पर थ्रो कर दिया था, अगर मैं ए और बी दोनों को कंबाइंड सिस्टम मान लो तो एक्सटर्नल फोर्स बताओ क्या होगा, जीरो, क्योंकि इस कॉन्टैक्ट की वजह से ए पे फ्रिक्शन उतना ही पीछे लग रहा है जितना बी पे आगे लग रहा है। तो ए और बी को मैं कंबाइंड सिस्टम मान लूंगा तो एक्सटर्नल फोर्स बोलो क्या हो जाएगा, जीरो, फ्रिक्शन तो इंटरनल हुआ तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा बेटा, कंजर्व। इनिशियल मोमेंटम बोलो क्या है, मास एम वेलोसिटी वी नॉट, और 2m रेस्ट में था तो ये सिंपल हो जाएगा एम वी नॉट इज इक्वल टू, फाइनली दोनों का वेलोसिटी कॉमन हो गया, रिलेटिव स्लिपिंग, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गया तो स्लिपिंग बंद हो जाएगा। उस इंस्टेंट में मान लो कुछ वेलोसिटी वी है तो एम और 2m, 3m इंटू वी। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, थोड़ा सा पेशेंटली समझना, 3m इंटू वी, m से m कैंसिल हो जाएगा तो v इज इक्वल टू आ जाएगा v नॉट बाई 3। ये कॉमन वेलोसिटी से ए एंड बी चल रहे होंगे जब रिलेटिव स्लिपिंग उनका खत्म हो जाएगा। अच्छा, इनका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ए का वेलोसिटी है वी नॉट, ए का वेलोसिटी क्या था, वी नॉट, और उसकी वेलोसिटी कम हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी बाई टू से, कांस्टेंट रिटार्डेशन पीछे की तरफ होगा तो कांस्टेंट रिटार्डेशन जी बाई टू से। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और बी की वेलोसिटी क्या थी इनिशियल, जीरो, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इसके वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जी बाई फोर, तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा और इसका वेलोसिटी कम होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट बाई थ्री अटेन कर लेगा दोनों, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से दोनों सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा, ये ग्राफ बनेगा। ये है आपका बी के लिए और ये है आपका ए के लिए, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। क्लियर है? अब देखो ये स्ट्रेट लाइन क्यों हो गया, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। जब देखो जैसे ही इस वाले का वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है और इस वाले का बढ़ रहा है तो जीरो से बढ़ रहा होगा, और मान लो ये वी नॉट 10 था तो 10 से कम हो रहा है तो एक ऐसा कॉमन वेलोसिटी आएगा, मान लीजिए कुछ भी 6 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों 6 मीटर पर सेकेंड से जब चलने लगेगा तो दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, मतलब स्लिपिंग बंद हो जाएगा। स्लिपिंग रिलेटिव मोशन को, फ्रिक्शन जो है ना वो रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए आता है, तो जैसे ही दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो तो रिलेटिव मोशन जीरो तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा तो दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहेगा। उससे पहले ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों बना है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट। बहुत बढ़िया सवाल था बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 एक ही जैसा था, बट 2 पे क्या था, 1 में क्या था कि ये बेल्ट मशीन से बाउंडेड है वी नॉट वेलोसिटी चलने के लिए, लेकिन ये स्मूथ सरफेस में रख दिया था तो ये कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रहा, तो जैसे ही ब्लॉक को थ्रो करूंगा तो ब्लॉक इस पे फिसलना शुरू करेगा तो इस पे पीछे फ्रिक्शन लगेगा और 2m पे आगे लगेगा। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, इंक्लाइन प्लेन पे हमने फ्रिक्शन का कंसेप्ट पिछले लेक्चर में देख लिया था, इस लेक्चर में इंक्लाइन प्लेन पे दो ब्लॉक का मोशन देखते हैं कैसे होता है। ये रहा हम मान लीजिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, एक ब्लॉक रख दिया हमने मास m1 का और दूसरा ब्लॉक रख दिया हमने m2 मास का। यहाँ पे कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1 और यहाँ पे कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2। तो आपसे पूछता है जनरली सवाल, दोनों के बीच में नॉर्मल बताइए कितना एक्ट होगा। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहला केस अज्यूम करता हूं मैं, इफ केस वन इफ μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू जीरो, दोनों का कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है। अगर दोनों का कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है बेटा तो ये नीचे एक्सेलरेट होगा, a1 एक्सेलरेट होगा जी साइन थीटा से और a2 भी एक्सेलरेट होगा जी साइन थीटा से, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, और दोनों अगर अकेला होता तो भी जी साइन थीटा से आ रहा है। अगर अकेला यहां पे रख दूं तो इस पे फोर्स लगेगा ना m1 जी साइन थीटा बराबर m1 a, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा जी साइन थीटा, और इसके होने के बावजूद भी कितना एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा। तो नॉर्मल बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, दोनों के बीच में नॉर्मल की कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है साहब, केस 2 देखते हैं, इफ μ1 इज इक्वल टू जीरो एंड μ2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो नीचे वाला μ1 जीरो है तो पक्की बात है जी साइन थीटा चला जाएगा और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा तो इस पे तो फ्रिक्शन लगेगा, तो यहाँ पे फिर से नॉर्मल क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि तो आगे चला जाएगा, फ्री फॉल कर जाएगा जी साइन थीटा से, तो नॉर्मल का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। केस 3 देखो,
इफ म्यू वन इज लेस देन म्यू टू, म्यू वन की वैल्यू कम है म्यू टू की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इस पे रिटार्डिंग फोर्स ऊपर ज्यादा लगेगा, इस पे रिटार्डिंग फोर्स कम लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ज्यादा एक्सीलरेशन से नीचे आ जाएगा तो फिर से यहां पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो। तो सर नॉर्मल लगेगा कब? लगेगा बेटा देखो, लगाता हूं नॉर्मल। इफ केस फोर, इफ म्यू टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एम टू एंड इंक्लाइन प्लेन इज ग्रेटर लेस देन म्यू वन, मतलब म्यू वन की वैल्यू ज्यादा है, म्यू वन की वैल्यू ज्यादा है तो इसका एक्सीलरेशन कम होगा और ये ज्यादा एक्सीलरेशन से आना चाहेगा, और जब से ज्यादा एक्सीलरेशन से आना चाहेगा तो ये इसको नीचे आने नहीं देगा, तो दोनों साथ मिलके चलेंगे, तो नॉर्मल इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसी केस में नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, क्लियर है ये बात, ठीक है ना? अब सुनो, इफ केस फोर भी देख लेते हैं, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू बट नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो नहीं है लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर है, जब दोनों की वैल्यू बराबर है म्यू वन बराबर म्यू टू, तो जितने सिलेशन से ये आएगा उतनी सिलेशन से ये आ रहा होगा, ठीक है ना? तो फिर भी नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो। नॉर्मल कब लगेगा? जब ये रफ्तार में इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन से निकलना चाहेगा। अब अगर मान लो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्शन म्यू है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और यहाँ पे भी म्यू है तो इसका भी एक्सीलरेशन होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, मास पे डिपेंड करता नहीं है एक्सीलरेशन, तो दोनों सेम ही एक्सीलरेशन से आएगा, तो एक दूसरे के होने ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस केस में ए वन और ए टू एक्सीलरेशन हो जाएगा म्यू सॉरी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो भाई साहब अगर ये नहीं होता तो भी इतने एक्सीलरेशन से चलता, और ये है तो भी इतने एक्सीलरेशन से चल रहा है, मतलब दोनों के बीच में नॉर्मल नहीं लग रहा है, दोनों सेम एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा। नॉर्मल तभी आएगा जब यहाँ पे म्यू टू की वैल्यू कम हो म्यू वन से, तो ये ज़्यादा एक्सीलरेशन से आगे जाना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ये वाला सर्फेस इसको आगे नहीं जाने दे रहा, और ये भाग के जाना चाहेगा तो इसको तोड़ के नहीं जाएगा, तो इसको रोक लेगा, फिर समझ में आया कि नहीं है? उस केस में यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, ठीक है सर। और जो नॉर्मल का कहानी होता है वही टेंशन का कहानी होगा। मान लीजिए थीटा 37 डिग्री है और यहाँ पे ब्लॉक ले लिया अपन ने, एक M1 रस्सी से बांध दिया और ये है M2, इसका मास ही दे देता हूँ मैं 2 kg और इसका मास दे देता हूँ 4 kg, क्लियर? यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.2 और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0.4, बताओ स्ट्रिंग में टेंशन होगा या नहीं होगा? वही नॉर्मल और टेंशन एक ही बात है, बताओ टेंशन जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो, सबसे पहले तो ये बताओ, टेंशन तो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, टेंशन जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉट इक्वल टू जीरो। सुनो क्यों, सुनो क्यों, देखो, ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ज़्यादा है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू होगा जीरो। सुनो क्यों, देखो 0.4 इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, मतलब इसको रोक के रखने की क्षमता सरफेस की ज़्यादा है, यहाँ पे 0.4 है, तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा ना म्यू ज़्यादा होने से कम होगा और ये ज़्यादा एक्सीलरेशन से आएगा, और ज़्यादा एक्सीलरेशन से आ रहा है इसका एक्सीलरेशन कम है, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्लैग, तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो, टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है क्या? आराम से समझने की कोशिश करो, कोई खास बात नहीं है। 8.2 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो इसका एक्सीलरेशन यहाँ पे लिखोगे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, म्यू की वैल्यू कम है तो कम सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्सीलरेशन इसका ज़्यादा होगा, और इसका एक्सीलरेशन कम है तो स्ट्रिंग बोलो क्या हो जाएगा, स्लैक कर जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो, और दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग एक्सीलरेशन से चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे समझ यार समझ, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, म्यू 0.2 है, ये कॉन्टैक्ट में होना और रस्सी से बांधना थोड़ा सा अलग कहानी हो जाता है ना, ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है, म्यू है 0.4, अगर मान लो ये कॉन्टैक्ट में होता तो नॉर्मल जीरो होता। क्यों नॉर्मल जीरो होता? क्योंकि ये ज़्यादा एक्सीलरेशन से आगे निकल जाता और ये पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा होता, तो नॉर्मल क्या होता, जीरो। अगर ये कॉन्टैक्ट में होता तो दोनों के बीच में नॉर्मल जीरो होता, लेकिन अगर मैं रस्सी से बांध दूँ तो यहाँ पे ए वन आगे जाना चाहेगा तेजी से क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, और ये ए टू कम एक्सीलरेशन से आना चाहेगा, ये ज़्यादा एक्सीलरेशन से आगे जाना चाहेगा, ये कम एक्सीलरेशन से आगे आ रहा होगा तो स्ट्रिंग में स्ट्रेच हो जाएगा, ये भाग नहीं पाएगा तेजी से, तो टेंशन इज नॉट इक्वल टू जीरो।
कॉन्टैक्ट में होता तो नॉर्मल जीरो होता, और यहाँ पे देखो अगर ये कॉन्टैक्ट में है, आराम से सुनो उसको ढंग से, जो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन अच्छे से, यहाँ पे मान ले कॉन्टैक्ट में है तो इसका एक्सीलरेशन कम 0.4 है और इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा, कॉन्टैक्ट में ये ज़्यादा से भागना चाहता है लेकिन ये आगे से इसको जाने से रोक लेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल अगर दोनों कॉन्टैक्ट में होता तो नॉर्मल नॉट इक्वल टू जीरो होता, कॉन्टैक्ट में होता तब, अभी कॉन्टैक्ट में नहीं है। अरे भाई जब कॉन्टैक्ट में होता तो ये ज़्यादा एक्सीलरेशन से इसको ओवरटेक करने की कोशिश करता लेकिन कॉन्टैक्ट में होने की वजह से इसको जाने नहीं देता तो नॉर्मल नॉट इक्वल टू जीरो आता। लेकिन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, ये कम एक्सीलरेशन जा रहा है और ये ज़्यादा एक्सीलरेशन आ जाएगा तो रस्सी क्या हो जाएगा, स्लैक कर जाएगा, तो टेंशन जीरो होगा लेकिन नॉर्मल नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, इस तरह के सवाल आपके मॉड्यूल और डीपीपी में भरे पड़े होते हैं। क्या है सवाल देखिएगा, स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक रख दिया M1 और उसके सरफेस पे ऊपर ब्लॉक रख दिया M2, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो आपसे पूछा है कि फाइंड, M1 पे फोर्स लगा रहा है, फाइंड मैक्सिमम फोर्स सो दैट बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। अगर कुछ कम फोर्स लगाओगे तो दोनों साथ चलेंगे, लेकिन जरूरत से ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो दोनों साथ नहीं चलेंगे, है ना, ऊपर वाला ब्लॉक पीछे छूट जाएगा। देखो एग्जांपल यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ मैं, देखो मैं इस पे आगे फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों साथ आ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगा दोनों साथ आएंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लगा दूंगा तो देखो ये पीछे स्लिप कर गया था। क्लियर है? तो मैं कितना मैक्सिमम फोर्स लगाऊं कि दोनों साथ चले, तो सुनो अच्छे से। ग्राउंड कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा, ग्राउंड पे कोई इंटरलॉकिंग नहीं है क्योंकि स्मूथ सरफेस है, इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग है, ये देखो। तो जैसे तुम नीचे वाले ब्लॉक को खींच के आगे ले जाना चाहोगे तो M1 का रिलेटिव स्लिपिंग आगे होगा, तो ये ब्लॉक इंटरलॉकिंग की वजह से M1 पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाएगा और M2 पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। अगर सिर्फ M2 का FBD बनाओ, FBD ऑफ M2, तो M2 पे नॉर्मल ऊपर M1 M2 के बीच में और नीचे M2G और आगे फ्रिक्शन FR। ग्राउंड से बैठ के आप देख रहे हो, कहां से बैठ के देख रहे हो बेटा? ग्राउंड से। तो फ्रिक्शन ही M2 को एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बराबर मास ब्लॉक का M2 इंटू एक्सीलरेशन इस ब्लॉक का A2, ये होगा। अगर मान लो बहुत कम फोर्स दे रहा हूं तो एक्सीलरेशन बहुत कम डेवलप होगा, और एक्सीलरेशन कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होगा नहीं, है ना, दोनों देखो ये पीछे फोर्स लगाएगा लेकिन इतना ज्यादा रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा तो ये भी इंटरलॉक्ड हो जाएगा, इसको आगे जाने से रोकेगा, इस पे फ्रिक्शन पीछे और इस पे फ्रिक्शन आगे, है ना, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हुआ क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ने लग के रोक लिया। थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा रिलेटिव स्लिपिंग होगा, तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो पूरे सिस्टम ज्यादा एक्सीलरेशन जाएगा, लेकिन इस फ्रिक्शन की एक औकात है, एक लिमिट है, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा उतना मैक्सिमम एक्सीलरेशन डेवलप होगा। एक लिमिट के बाद, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद उस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ सकता। जैसे कम रिलेटिव स्लिपिंग रखोगे तो कम फोर्स लगेगा, तो इसमें कम सिस्टम में एक्सीलरेशन डेवलप कराएगा, और M2 को आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? FR। M2 को आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ और सिर्फ FR। तो यहाँ पे FR की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू इंटू N, N की वैल्यू M2G। तो म्यू M2G बराबर M2 इंटू A2 मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर्स तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन, M2 से M2 कटेगा, तो A2 का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? म्यू जी। इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन से आप दोनों को साथ नहीं ले जा सकते। इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन देने की कोशिश करूँगा तो होगा क्या? अगर मैं ज़्यादा एक्सीलरेशन देने की कोशिश करूँगा तो फ्रिक्शन इस पर ज़्यादा फोर्स एक लिमिट के बाद नहीं लगा पाएगा, इसको मैक्सिमम इतने से ही आगे ले जा सकता है, इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन दे नहीं पाएगा। क्लियर है? तो इसके लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? तो F = दोनों को एक सिस्टम मान लोगे, क्योंकि एक लिमिट तक तो साथ ही चलेंगे, तो टोटल मास हो जाएगा M1 + M2, और मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हो इसलिए मैक्सिमम एक्सीलरेशन सिस्टम का होगा म्यू जी। इस एक्सीलरेशन तक या इतना फोर्स तक दोनों साथ चलेंगे, अगर इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो साथ नहीं चलेंगे, लेकिन इससे कम लगाओगे, इस पर कम फोर्स दोगे तो कम एक्सीलरेशन, और कम एक्सीलरेशन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दे देगा। जरूरत से ज्यादा फोर्स लगा दोगे
तो फ्रिक्शन भाई उतना अपने आप को तो नहीं बढ़ा सकता। यहां पे रिलेटिव स्लिपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू है। तुम अगर ज्यादा फोर्स लगा के इसको आगे खींच लोगे तो स्लिपिंग हो जाएगा। देख मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे फोर्स लगा के इसको आगे खींचोगे, M1 पे फोर्स लगा के आगे खींचोगे, M2 इसको जाने से रोकेगा, इंटरलॉकिंग है जाने से रोकेगा, इंटरलॉकिंग की वजह से आगे स्लिपिंग स्लिप होने से रोकेगा, तो इसको आगे जाने नहीं देगा, ठीक है ना। अब ऊपर से कोई M2 को पकड़ के तो नहीं रखा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस पे पीछे लगा तो इस पे आगे लगेगा। मान लो इसके बीच का रिलेटिव स्लिपिंग क्रिएट नहीं हुआ, रिलेटिव स्लिपिंग की टेंडेंसी थी, तो दोनों साथ में धीरे धीरे आगे चलने लगेंगे। अगर जोर से ज़्यादा लगा दोगे फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया, बहुत एक्सीलरेशन हुआ, यहाँ पे इंटरलॉकिंग टूट गया, तो ये आगे चला जाएगा और ये धीरे धीरे आगे जाएगा सिर्फ म्यूटीजी से, और उस और ये ज़्यादा एक्सीलरेशन से आगे चला जाएगा, ठीक है ना। एक दो सवाल करते हैं तब आपको फिजिकली ये विजुलाइज हो जाएगा। मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक ले लिया हमने 4 kg का, यहाँ पे ब्लॉक ले लिया 2 kg का, इस पे फोर्स लगा दिया मैंने 24 N, यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रिक्शन है 0 और यहाँ पे म्यू है बेटा 0.5। फाइंड एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 kg एंड 4 kg। फाइंड एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान से सुनो, जब भी ऐसा सवाल होगा, नीचे वाले पे फोर्स लगाया होगा, तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन तुरंत निकाल लो कि कितना हो सकता है, कितने मैक्सिमम एक्सीलरेशन दोनों साथ चलेंगे। तो म्यू जी, म्यू की वैल्यू बोलो 5/10 और जी तो 10 होता है, 5 meter per second square तक दोनों साथ चलेंगे। इससे कम एक्सीलरेशन देने की कोशिश करोगे, मान लो कि सिस्टम पे फोर्स लगा दोनों को 1 मान लो, तो 24 N, फोर्स 24 और मास 4/6, बताओ कितना हो रहा है, 4 meter per second square। कितने एक्सीलरेशन देने की कोशिश कर रहा है, 4, और मैक्सिमम कितने तक साथ चल सकते हो, 5 meter per second square से, मतलब दे विल मूव टुगेदर विथ एक्सीलरेशन 4 meter per second square, क्योंकि फ्रिक्शन इसको मैक्सिमम 5 meter per second square एक्सीलरेशन दे सकता है, लेकिन सिस्टम को तुम सिर्फ 4 meter per second square से लेके जाना चाहते हो तो सिस्टम साथ जाएगा, इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तुम्हें पता चल गया ये 4 से जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ही तो आगे लेके जा रहा था, इस पर फ्रिक्शन फोर्स ही तो इसको आगे लेके जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, मास बोलो 2, एक्सीलरेशन बोलो 4, 8 N, फ्रिक्शन कितना लगेगा बोलो 8 N, दैट्स इट। क्लियर है क्या ये बात? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। एक ब्लॉक ले लिया अपन ने, सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, 4 kg का और ये ब्लॉक ले लिया अपन ने 2 kg का, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4, ठीक है ना, और तुम इस पे 36 N फोर्स लगा रहे हो, तो सिस्टम को कितने एक्सीलरेशन से लेके जाना चाहते हो तुम, 36/6 है ना, 6 meter per second square से लेके जाना चाहते हो, और ऊपर वाला ब्लॉक 2 kg जिसको फ्रिक्शन लेके जाएगा कितने मैक्सिमम एक्सीलरेशन से जा सकता है, म्यूजी मतलब 4 meter per second square से, मतलब दे विल नॉट मूव टुगेदर, दोनों साथ नहीं चलेंगे, दे विल नॉट मूव टुगेदर, दोनों साथ नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे साथ? तो देखो यहां से FBD जो मैंने बनाया था उसको समझो, M2 को आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो देखो यहां पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू इंटू एन, म्यू बोलो 0.4, 4/10 और यहां पे MG 4/10 और MG 2 × 10, 8 N लग सकता है, 8 N लग सकता है, और फोर्स बटा मास होता है एक्सीलरेशन, तो मास है 2, तो 8/2 4 meter per second square, मतलब ये जो 2 kg का ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम 4 meter per second square से ही चल सकता है, इसलिए 4 meter per second square से चलेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम पे तुमने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया, 6 meter per second square की एक्सीलरेशन डेवलप करना चाहते हो, लेकिन ये मैक्सिमम सिर्फ 4 से जा सकता है, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ 4 से ही जा सकता है मैक्सिमम, क्योंकि दोनों के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम 8 N होगा कॉन्टैक्ट पे, ठीक है ना। तो 4 kg वाला कितने जाएगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 8 N इस पे आगे लग रहा है तो इस पे पीछे लगेगा, 36 और 8 क्या हो जाएगा 32, तो एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg हो जाएगा बेटा, देखो अनबैलेंस फोर्स 32 और मास इसका 4,
32/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सिलेशन होगा। तो दो ही पॉसिबल केस है, या तो साथ चलेंगे या तो साथ नहीं चलेंगे। साथ चलने वाला केस मैंने आपको समझा दिया, साथ नहीं चलने वाला भी केस मैंने आपको समझा दिया। स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, दो ब्लॉक लिया हमने M1 और M2, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लिया था, बट इसमें फर्क यह है कि इस बार मैं अपर सरफेस पे फोर्स लगा रहा हूं F। तो आपसे पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम फोर्स सो दैट बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। एज यूजुअल ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। जैसे मैं M2 को आगे ले जाना चाहूंगा, M2 में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी फॉरवर्ड आएगी, तो यहां पे इंटरलॉकिंग है, तो M1 इसको M2 को आगे जाने से रोकेगा, तो M2 पे फ्रिक्शन पीछे, तो M1 पे फ्रिक्शन आगे, और ग्राउंड कुछ रोक नहीं रहा, तो M1 इस फ्रिक्शन से आगे जाएगा, ठीक है ना। तो M2 को, M1 को ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन फोर्स। तो M1 का अगर आप FBD बनाएंगे तो नीचे फोर्स लगेगा M1G, ग्राउंड की वजह से नॉर्मल ऊपर लगेगा, ग्राउंड की वजह से नॉर्मल, M2 की वजह से M1 पे नॉर्मल नीचे लग रहा होगा कुछ N-, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेटा फ्रिक्शन लगेगा, क्लियर है। और अगर आप M2 का FBD बनाते हैं तो M2 पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे, नॉर्मल ऊपर, नीचे M2G, और आगे की तरफ आपका ये फोर्स F। इस फ्रिक्शन और इस फ्रिक्शन का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट पे ऊपर वाले ब्लॉक पे पीछे और M1 वाले नीचे वाले ब्लॉक पे आगे। तो इस FR का वैल्यू क्या होगा? तो FR इज इक्वल टू μ × N होगा, और यहां पे ये FR ही इसको एसिलेशन देने का काम कर रहा है। तो M1 पे लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू M1 × एसिलेशन ऑफ A1। इसको M1 को आगे ले जाने के लिए सिर्फ फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। मान लो कि ये फोर्स लगाया और दोनों ब्लॉक कुछ A एसिलेशन से आगे चल रहा है, तो M2 को एसिलेशन देने का काम कौन करता है? फ्रिक्शन। फोर्स बढ़ाऊंगा तो एसिलेशन बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा और बढ़ेगा और इसको और ज्यादा एसिलेशन से ले जाने की कोशिश करेगा। अगर मैं यहां पे मानता हूं कि मैक्सिमम पॉसिबल एसिलेशन M1 को कितना मिल सकता है, तो A1 का एसिलेशन मैक्सिमम, तो यहां पे फ्रिक्शन ही उसको ले जा रहा था, फ्रिक्शन मैक्सिमम, और मैक्सिमम फ्रिक्शन ही होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि μN के बराबर होगा, म्यू और कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल M2G, μM2G। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? μM2G बराबर M1A1। तो A1 मैक्सिमम, नीचे वाला ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल एसिलेशन होगा μM2G बटा M1, और ये आपको क्या करना है? रट लेना है। कैसे रटेंगे? लॉजिक भी बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना। ऊपर वाले नीचे वाले पे जब फोर्स लगाया था तो मैक्सिमम पॉसिबल एसिलेशन था μG, जब नीचे वाले पे फोर्स लगाऊंगा तो मैक्सिमम पॉसिबल एसिलेशन होगा μG, और ऊपर वाले पे फोर्स लगाऊंगा, कहां लगाऊंगा? ऊपर वाले पे फोर्स लगाऊंगा तो मैक्सिमम पॉसिबल एसिलेशन होगा μ × ऊपर वाले का मास बटा नीचे वाले का मास × g। देखो, म्यू ऊपर वाले का मास बटा नीचे वाले का मास × g। तो तुम्हें ऐसा याद रखना है, ये मत याद रखना है M1 ऊपर की M2 नीचे, M2 नीचे की M1 पूरा, ऐसे नहीं। आपको याद रखना है कि म्यू ऊपर वाला मास बटा नीचे वाला मास × g, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो बताओ कितना मैक्सिमम फोर्स लगाऊंगा ताकि दोनों साथ चले? तो मैक्सिमम फोर्स के लिए मास × एसिलेशन मैक्सिमम, और एसिलेशन मैक्सिमम कितना है? देखिए, म्यू M2G बटा M1। एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये नहीं, ये याद रखना बस। अब चलो इस पे बेस्ट सवाल कर लेते हैं अपन फटाफट। मान लीजिए ये ब्लॉक है 5 kg का, ऊपर में ब्लॉक लिया अपन ने 10 kg का, इस पे फोर्स लगा दिया मैंने 30 N, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है μ = 0.2, ठीक है ना। तो बताइए, सब कुछ बताइए, सिलेशन बताइए, दोनों साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे ये बताइए। तो सुनिए, 5 kg को आगे ले जाने के लिए इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, तो मैक्सिमम एसिलेशन 5 kg का क्या हो सकता है सिस्टम का, या 5 kg का मैक्सिमम पॉसिबल एसिलेशन क्या हो सकता है? म्यू 2/10, ऊपर वाले का मास 10, नीचे वाले का मास 5, यही था ना, म्यू ऊपर वाले का मास बटा नीचे वाले का मास × g, g की वैल्यू बताइए क्या होगा? 10, बटा 10 से 10 कटेगा, 5 से कैंसिल होगा, 4 m/s², 4 m/s² तक दोनों साथ चल सकते हैं। और ये सिस्टम को कितना एसिलेशन देने की कोशिश कर रहा है? तो सिस्टम का टोटल मास हो गया 15 और एसिलेशन फोर्स हो गया 30 by 15, 2 m/s². बताओ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? बिल्कुल साथ चलेंगे, क्योंकि ये जो फोर्स है ना 30 N,
वो 10 kg में और 5 kg दोनों को मिला के सिर्फ 2 m/s² एक्सेलरेशन देने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये जो रिलेटिव स्लिपिंग इतना डेवलप कर रहा है कि इंटरलॉकिंग इसको रोकने के लिए सफिशियंट है, और स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लगा के रोक लेगा। और यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना, तो बस ये देखो कि 5 kg को आगे ले जाने के लिए फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। 5 kg का ब्लॉक जब सिस्टम 2 से जा रहा है तो 2 से ही जाएगा इंटू एक्सेलरेशन 2 मास 5, 10 N का फोर्स लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो 5 kg को आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है वो देखो, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू बोलो 2/10 इंटू यहाँ पे 10 × 10, 10 से 10 कैंसिल होगा 20 N। तो 20 N से ज़्यादा फ्रिक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप इतना फोर्स लगा दो कि यहाँ का जो इंटरलॉकिंग है वो टूट जाए, यहाँ का इंटरलॉकिंग टूट जाए, जब इंटरलॉकिंग टूट जाएगा इसका मतलब यहाँ पर रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन जब तक इंटरलॉकिंग नहीं टूट रहा तब तक दोनों साथ चलेंगे। तो सर इंटरलॉकिंग टूटा नहीं तो चले कैसे? बेटा ग्राउंड तो कोई फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, ग्राउंड स्मूथ है, और जैसे ही ऊपर वाले पे तुम 30 N लगाओगे तो उस रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने के लिए ये 5 kg वाला ब्लॉक 10 kg पे पीछे फोर्स लगाएगा। देखो M2 पे पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा तो M1 पे आगे लग जाएगा, ठीक है ना? तो इस पे पीछे और इस पे आगे, तो इसको इंटरनल फोर्स मान सकते हो आप, है ना? दोनों सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो जाएगा, इस पे पीछे और इस पे आगे, और ग्राउंड कोई फ्रिक्शन लगा नहीं रहा तो इस पे थोड़ा भी आगे फोर्स लगेगा तो चल जाएगा ना, क्योंकि ग्राउंड पे इंटरलॉकिंग नहीं है, ग्राउंड पे कोई इंटरलॉकिंग नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सुनिए, आपको क्या करना है कि बस ये देखना है कि ऊपर वाले पे फोर्स लगाऊंगा तो नीचे वाले का FBD बनाएंगे, तो नीचे वाले ब्लॉक को ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम लिमिट तक अपने आप को स्ट्रेच क्रॉस कर सकता है, कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, उसका मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे देखो, मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स इस कॉन्टैक्ट पे लग रहा है तो यहाँ का नॉर्मल लेंगे तो μ × N μm2g, और यही फ्रिक्शन फोर्स नीचे वाले पे आगे लग रहा है तो ये फ्रिक्शन फोर्स μm2g बराबर आगे वाले इस ब्लॉक का मास m1 × a1, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन होगा म्यू ऊपर वाले का मास बटा नीचे वाले का मास × g। इतने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से साथ चल सकता है, ठीक है ना? इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अगर इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन सिस्टम को देने की कोशिश करोगे तो साथ चलेंगे, इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन देने की कोशिश करोगे, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और ये मैक्सिमम 4 से ही चल सकता है। लेकिन अभी तुम इतना फोर्स लगा रहे हो कि सिस्टम 2 से ही चले, तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन आएगा वो स्टैटिक नेचर का होगा, ठीक है? और ग्राउंड कोई अपोजिशन कर नहीं रहा है, मान लो ग्राउंड स्मूथ है, कोई ब्लॉक रख दोगे तो उसको चलाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, 0 N। 0 N से इन्फाइनेटली स्मॉल ज़्यादा फोर्स लगा दोगे, इन्फाइनेटली स्मॉल 0.0001 N फोर्स लगा दोगे तो भी तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। मान लो परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे 1 kg का एक ऑब्जेक्ट रख दो और यहाँ पे फोर्स लगा दो F=0.0000001 N, बताओ मोशन में आएगा? हाँ, क्योंकि ग्राउंड तो कोई इसको अपोज ही नहीं कर रहा, तो नेट फोर्स इन्फाइनेटली स्मॉल आ गया, तो इन्फाइनेटली स्मॉल एक्सेलरेशन होगा, लेकिन होगा। तो इसको जैसे ही आगे ले जाने की कोशिश करूंगा तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक के बीच में इंटरलॉकिंग है तो इस पर फ्रिक्शन लगाएगा, तो 10 kg फ्रिक्शन पीछे तो 5 kg पे आगे, ग्राउंड रोक नहीं रहा तो 5 kg पे एक्सेलरेशन फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा, मतलब 5 kg वाला भी चलेगा, तो 5 kg को आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्रिक्शन। तो इन दोनों के कॉन्टैक्ट के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन जितना लग सकता है वही मैक्सिमम फ्रिक्शन इस पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन देने की कोशिश करेगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रख लो 4 m/s², लेकिन ये फोर्स उतना एक्सेलरेशन देना ही नहीं चाह रहा, कम एक्सेलरेशन देना चाह रहा है तो कम एक्सेलरेशन से साथ चलेगा। अगर मान लो यहाँ पे 60 N फोर्स लगा देता, ठीक है ना, नहीं 75 N फोर्स लगा देता यहाँ पे, 75, तो 75 यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे यहाँ पे आगे, तो सिस्टम के लिए फ्रिक्शन इंटरनल, 10 × 5 क्या हो जाएगा, 15, 5 m/s² से सिस्टम आगे जाने की कोशिश करता, लेकिन ये सिर्फ फोर्स ही जा सकता है, तो ये फोर्स ही जाएगा। पिछले वाले केस में समझाया था, ये फोर्स ही जाएगा। तो सर अगर ये फोर्स ही जाएगा तो ऊपर वाला, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जैसे ही तुम ज़्यादा फोर्स से ज़्यादा एक्सेलरेशन ले जाने की कोशिश करोगे तो रिलेटिव स्लिपिंग आएगा, रिलेटिव स्लिपिंग आएगा तो ध्यान से सुनना, ये फोर्स ही जाएगा, और फोर की वजह से कितना फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए, 20 N, तो 20 पीछे लगेगा, तो 75 - 20 इतना होगा 55/10, 5 m/s² से ये आगे जाएगा, और ये सिर्फ 4 m/s² से ही आगे जाएगा। कब? जब पूरे सिस्टम को इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से ले जाने की कोशिश करोगे तब। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके बेटा ये लिखिए।